अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको लिफ्ट की मोटर के बारे में बताया और मुझसे कुछ व्यूवर्स ने भी पूछा कि हम अगर इसके गियर बॉक्स के बारे में कुछ बताते हैं, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इतफाक़न ये हुआ कि कुछ अर्से में ही इसके बोर गियर बॉक्स में काम आ गया, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि इसको वेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसको हम वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। और ये जहाँ लिफ्ट में आके जहाँ पे रोकनी होती है, ये इसका कटआउट स्विच कहते हैं। अच्छा, ये रहा हमारा गियर बॉक्स जो इत्तेफाकन खुला हुआ है। ये देखें, ये आप गरारी देख रहे हैं, ये मोटर से कनेक्टेड होती है। ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जब मोटर चलती है तो ये गरारी घूमती है, गरारी घूमती है तो इसके साथ एक और बड़ी गरारी होती है, वो घूमती है और इस तरीके से पुल्ली को अपनी तरफ खींचती है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया और बताया कि ये चार तारें उस पुल्ली के साथ अटैच होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बोला आपसे डिस्कस करूँ। और यहाँ से इसकी सप्लाई जाती है, ये भी इलेक्ट्रिक के थ्रू ही कंट्रोल होती है, ये रही। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि ये थ्री फेस की मोटर होती है, ठीक है। थ्री फेस के मुराद तीन तारें इसको करंट की मिलती हैं, ये रही, सही है। अच्छा, हम लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं क्योंकि हमें पता होता है। बाज़ लोग नॉन प्रोफेशनल जो होते हैं वो कहते हैं कि यार ये रेड तार है। देखें, जैसे मिसाल के तौर पर हम मोटर की तरफ ही पढ़ते हैं, दो लाल तारे हैं एक काली तार है, तो वो नॉन प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो कहते हैं देखो डबल फेज है और एक न्यूट्रल है। कतई तौर पे ऐसा नहीं है, ठीक है। ये थ्री फेज होता है, तीनों फेज ही होते हैं, ठीक है। थ्री फेज की मोटर है तो थ्री फेज की इसको सप्लाई मिलती है। न्यूट्रल हजमें ज़रूरत हमें सर्किट में इस्तेमाल करने के लिए न्यूट्रल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए चार तारे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारी अभी जो है थ्री फेज की मोटर है, तो हम लोग आइए इसके डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ें आप खुद जानिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाए, ठीक है दोस्तों। आइए थोड़ी सी हम आपकी हेल्प कर देते हैं। ये 220, ये है डेल्टा, ये है स्टार। जिस तरीके से ये डेल्टा वी टाइप का होता है, ठीक है, स्टार ये कनेक्शन है, नज़र आ रहा होगा। वाई टाइप को स्टार कनेक्शन कहते हैं, इसको डेल्टा कनेक्शन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये नहायत बेहतरीन मशीन है और काफ़ी अर्से से चल रही है, ऑपरेट कर रही है, तो हमने कहा हम आपसे थोड़ी चीज़ के बारे में डिटेलिंग बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।